सजदे किए हैं लाखों लाखों दुआएं मांगी पाया है मैंने फिर। नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल राजन में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी जिस वीडियो को आपने प्रीव्यू में देखा उसी वीडियो का एडिटिंग ट्यूटोरियल इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं अपने नाम के साथ या किसी के नाम के साथ न्यू ट्रेंडिंग नेम आर्ट स्टेटस एडिटिंग करना तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस तरह का नेम आर्ट स्टेटस वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल के काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। दोस्तों अगर आपके मोबाइल में काइन मास्टर एप्लीकेशन नहीं है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में काइन मास्टर एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक दे दिया हूं। लिंक पर क्लिक करके आप काइन मास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद से दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे आपको प्लस का आइकन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे और आप 9.16 रेटिव सेलेक्ट कर लेंगे। 9.16 रेटिव सेलेक्ट कर लेने के बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको मीडिया का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको बैकग्राउंड का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप एक ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेंगे। बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेने के बाद दोस्तों बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे और स्क्रॉल करके इसका ड्यूरेशन आपको जितने सेकंड का स्टेटस क्रिएट करना होगा उतने सेकंड तक कर देंगे और स्क्रॉल करके आप स्टार्टिंग में आ जाएंगे और ओके कर देंगे। ओके कर देने के बाद से दोस्तों लेयर पर क्लिक करेंगे, मीडिया पर क्लिक करेंगे और इसमें हॉट इफेक्ट एक वीडियो ऐड कर लेंगे। दोस्तों इस वीडियो में जितने भी मटेरियल हम यूज कर रहे हैं जैसे फोटो, लाइट इफेक्ट, वीएफएक्स, टेक्स्ट, सभी का डाउनलोड लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेंगे। दोस्तों अगर आपको डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहां से आप किसी भी मटेरियल टेम्पलेट को बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों आपसे एक और छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हॉट इफेक्ट वीडियो ऐड कर लेने के बाद से दोस्तों एरो पकड़ के इस तरह से जूम कर लेंगे। जूम करने के बाद से दोस्तों ऊपर यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट करने के बाद से दोस्तों नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको ब्लिंडिंग का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे। फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको स्क्रीन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर लेंगे और बैक कर लेंगे। बैक करने के बाद से दोस्तों ऊपर स्क्रॉल करेंगे। ऊपर स्क्रॉल करने के बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको क्रॉपिंग का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको मास्क का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करके आप इसको इनेबल कर देंगे। इनेबल कर देने के बाद से दोस्तों ये जो फेदर है आप इसको 20 पे कर देंगे। 20 करने के बाद फिर ओके कर देंगे। ओके कर देने के बाद दोस्तों फिर इसी हॉट इफेक्ट वीडियो पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 3 डॉट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ड्यूप्लीकेट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करके आप ड्यूप्लीकेट कर लेंगे। ड्यूप्लीकेट कर लेने के बाद दोस्तों इस तरह से स्क्रॉल करेंगे तो इसमें से एक और लेयर निकल जाएगा। लेयर निकल जाने के बाद दोस्तों ये जो छोटा वाला एरो है इस पर इस तरह से पकड़ के इसको छोटा कर लेंगे और यहाँ पे बीचों बीच में अच्छे से सेंटर में एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट कर देने के बाद ओके कर देंगे। ओके कर देने के बाद दोस्तों फिर इस तरह से स्क्रॉल करके आप स्टार्टिंग में आ जाएंगे। स्टार्टिंग में आने के बाद दोस्तों लेयर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको टेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे और आप जिनके नाम के साथ स्टेटस क्रिएट करना चाहते हैं उनका यहाँ पे नाम टाइप कर लेंगे। नाम टाइप करने के बाद दोस्तों आप जो फर्स्ट लेटर ये टाइप करेंगे आप उसको बड़ा लेटर में टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद ओके कर देंगे। ओके कर देने के बाद दोस्तों एरो पकड़ के इस तरह से जूम कर लेंगे। जूम कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको डबल ए का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको गेट मोर का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे और आप अपने मोबाइल का डेटा ऑन कर लेंगे। मोबाइल का डेटा ऑन कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको शांस शरीफ का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ढेर सारे स्टाइलिश फॉन्ट देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों आप ये जो पटाया वाला फॉन्ट है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल कर लेने के बाद बैक करेंगे। बैक करने के बाद दोस्तों नीचे यहाँ पे आपको शांस शरीफ का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे और ये जो पटाया वाला आप फोन इंस्टॉल किए हैं आप इसको क्लिक करके आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। ओके कर देने के बाद दोस्तों इस तरह से एरो पकड़ के थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। छोटा करने के बाद ऊपर यहाँ पे इस तरह से अच्छे से एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कलर बॉक्स का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपने मन पसंद का कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेंगे। कलर सेलेक्ट कर लेने के बाद ओके कर देंगे। ओके कर देने के बाद दोस्तों फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको आउटलाइन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको इनेबल का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करके आप इनेबल कर लेंगे। इनेबल कर लेने के बाद दोस्तों फिर यहाँ पे आपको कलर बॉक्स का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप व्हाइट कलर सेलेक्ट कर लेंगे।
व्हाइट कलर सेलेक्ट कर लेने के बाद से दोस्तों ये नीचे जहाँ आपको वेट का ऑप्शन दिखेगा तो आप इसको +3 पे कर देंगे। +3 पे करने के बाद ओके कर देंगे। ओके कर देने के बाद दोस्तों फिर इसी फोन टैक्स पर क्लिक करेंगे और स्क्रॉल करके इसका ड्यूरेशन आपका जहाँ तक बैकग्राउंड वीडियो रहेगा वहाँ तक कर देंगे और स्क्रॉल करके आप स्टार्टिंग में आ जाएंगे और ओके कर देंगे। ओके कर देने के बाद से दोस्तों फिर लेयर पर क्लिक करेंगे, मीडिया पर क्लिक करेंगे और इसमें एक रोज फ्लावर PNG ऐड कर लेंगे। रोज फ्लावर PNG ऐड कर लेने के बाद दोस्तों एरो पकड़ के इस तरह से जूम कर लेंगे। जूम करने के बाद दोस्तों दूसरे वाले एरो पकड़ के इस तरह से रोटेट कर लेंगे और नीचे यहाँ पे कॉर्नर में अच्छे से एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट कर देने के बाद स्क्रॉल करके इसका भी ड्यूरेशन आपका जहाँ तक बैकग्राउंड फोटो रहेगा वहाँ तक कर देंगे। स्क्रॉल करके आप स्टार्टिंग में आ जाएंगे और ओके कर देंगे। ओके कर देने के बाद दोस्तों लेयर पर क्लिक करेंगे, मीडिया पर क्लिक करेंगे और इसमें अपने मनपसंद का कोई भी लिरिक्स म्यूजिक ऐड कर लेंगे। लिरिक्स म्यूजिक ऐड कर लेने के बाद दोस्तों एरो पकड़ के थोड़ा सा जूम कर लेंगे। जूम करने के बाद दोस्तों बीचों बीच में यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट करने के बाद दोस्तों नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे। फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे आपको स्क्रीन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करके आप ओके कर देंगे। ओके कर देने के बाद दोस्तों फिर लेयर पर क्लिक करेंगे, मीडिया पर क्लिक करेंगे और इसमें एक बटरफ्लाई वीडियो ऐड कर लेंगे। बटरफ्लाई वीडियो ऐड कर लेने के बाद दोस्तों एरो पकड़ के इस तरह से जूम कर लेंगे। जूम करने के बाद दोस्तों ये जो नेम आर्ट आप टाइप किए हैं उसके ऊपर यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट करने के बाद दोस्तों फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे, ब्लेंडिंग पर क्लिक करेंगे, फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रीन पर क्लिक करके बैक करेंगे और ऊपर स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे आपको वॉल्यूम का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको वॉल्यूम म्यूट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करके आप ओके कर देंगे। ओके कर देने के बाद दोस्तों फिर लेयर पर क्लिक करेंगे, मीडिया पर क्लिक करेंगे और इसमें एक स्पेशल लाइट इफेक्ट ऐड कर लेंगे। लाइट इफेक्ट ऐड कर लेने के बाद दोस्तों फिर स्पीड पर क्लिक करेंगे, फुल स्क्रीन पर क्लिक करेंगे, बैक करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे, फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रीन पर क्लिक करके आप ओके कर देंगे। ओके कर देने के बाद दोस्तों यह स्टेटस वीडियो बन के कम्प्लीट हो जाता है। चलिए मैं आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ अपना स्टेटस कैसा बना है। देख सकते हैं कितना अच्छा स्टेटस वीडियो बनके कंप्लीट हो गया है। दोस्तों अभी इस वीडियो को सेव करने के लिए यहाँ पे आपको एरो का आइकन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको रिजोल्यूशन और यहाँ पे आपको फ्रेम रेट का ऑप्शन आ जाएगा। तो रिजोल्यूशन में FHD 1080 पिक्सल और फ्रेम रेट 30 पे करके ये जो लो हाई है इसको हाई पे करके एक्सपर्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यह वीडियो आपके मोबाइल में एक्सपर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह एडिटिंग वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको जरा भी पसंद आया है तो एक लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले एडिटिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।